पिछले एक माह से बानमोर तहसील में पदस्थ तहसीलदार सर्वेश यादव के ऑफिस में नहीं बैठने के कारण किसानों को सीमांकन तथा अपने नामांतरण कराने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विदित है कि पिछले एक माह से तहसील कार्यालय में तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार सहित कोई भी अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं बैठ रहे। किसान बेताल शर्मा और राकेश जाटव ने बताया कि वे पिछले एक वर्ष से तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक नामांतरण तथा सीमांकन नहीं कराया गया। कर्मचारियों से पूछे जाने पर साहब नहीं आए हैं ये कहकर टाल दिया जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीड़ित लोगों ने बताया कि तहसीलदार अपने ऑफिस में न बैठकर सारे दिन प्रशासक के चैम्बर में बैठे रहते हैं, जहां से वो अपनी मनमानी फाइल मंगाकर चले जाते हैं। देख लेंगे, फिर देख लेंगे। दो साल से परेशान हो रहे हो? दो साल से। इसकी शिकायत हम तहसीलदार से की अभी? हाँ हाँ, साहब जी आवेदन दो मैंने। क्या क्या लिख के दिया? उन्होंने क्या कहा? मिलने से कही के साहब मैं आर आई साहब से जाए दे दूँ। आर आई साहब है, मैंने दे दूँ। कॉपी आपने आर आई साहब को दे दी? दे दी। उसके बाद में काम नहीं होता? 15 रोज है गए, 15 रोज थे। पहले कही के अंगले मंग रखूँ देख ले, फिर अब की मंग रखी कही थी, अब की मंग रखूँ अभी तक ना आ पाए। और हरिओम गुर्जर, इनके पास जाते तो क्या कहते हैं? ये आवेदन ही वापस कर देते हैं सर, मेरा आवेदन ही वापस कर दिया। आवेदन देते नहीं है? नहीं। क्या कहते हैं? ये कह देते हैं, बोले कि देख लेंगे देख लेंगे, इस पे ये करवा के लाओ, उस पे वो करवा के लाओ। तो सर ऐसे घुमाते रहते हैं, घूम रहे हैं एक महीने से।